नमस्कार प्रिय साथियों, जय शंभू। मैं सुरेश श्रीवाली आप सभी का महाशिवरात्रि स्पेशल कार्यक्रम की सीरीज में इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का विषय है भोलेनाथ को भूलकर भी न चढ़ाएं ये सात वस्तुएं, बहुत बड़ा अपशगुन हो सकता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयंभू है, ये देवों के देव महादेव है, कैलाश पर्वत उनका निवास स्थान है, गले में लिपटा नाग, मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा, जटा में गंगा, हाथ में त्रिशूल और डमरू, कुछ ऐसा स्वरूप है भोलेनाथ का। शैव मत को मानने वाले भगवान की आराधना करते हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ आदि नामों से भी जाना जाता है। कहते हैं जो भक्त शिव की आराधना करते हैं उन्हें समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है, लेकिन उनकी पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पहला है शंख। भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता है। दरअसल भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था, जो भगवान विष्णु का भक्त था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए विष्णु भगवान की पूजा शंख से होती है, लेकिन शिव जी की नहीं। दूसरा, तुलसी के पत्ते। तुलसी को हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया गया है और सभी शुभ कार्यों में इनका प्रयोग होता है, लेकिन तुलसी को भगवान शिव पर चढ़ाना मना है। भूलवश लोग भोलेनाथ की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से उनकी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तीसरा है नारियल का पानी। शिवलिंग पर नारियल का पानी अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन कभी भी शिवलिंग पर नारियल का पानी से अभिषेक करने पर कई तरह के अपशगुन होते हैं। नारियल देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, जिनका संबंध भगवान विष्णु से है, इसीलिए शिवजी की आराधना में ये नहीं चढ़ता है। अगला है तिल। तिल को शिवलिंग में चढ़ाना वर्जित माना जाता है, क्योंकि ये भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ माना जाता है, इसीलिए इसे भोलेनाथ पर कभी अर्पित न करें, मुख्यतः शिवरात्रि पर तो बिल्कुल भी नहीं। अक्षत। भगवान शिव को अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्र में लिखा है, टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसलिए शिव पर टूटे हुए चावल कभी नहीं चढ़ाएं, सिर्फ बिना टूटे हुए चावल अर्पित कर सकते हैं। अगला है कुमकुम। कुमकुम सौभाग्य का प्रतीक होता है, जबकि भगवान शिव वैराग्य है, इसीलिए शिव जी को कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए। अगला है हल्दी। हल्दी का संबंध भी विष्णु और सौभाग्य से है, इसलिए भगवान तो वैराग्य है, इसलिए शिवलिंग पर हल्दी अर्पित नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है प्रिय साथियों, इन छोटी छोटी बातों को आप अपनी पूजा पाठ की पद्धति में प्रयोग में लाएंगे, ताकि आपकी साधना सफल हो सके, आप सुख सौभाग्य को प्राप्त कर सके। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय। कोरोना की त्रासदी के बाद हम सब ने देखा है कि लगभग ज्यादातर समय हमारा मानसिक तनाव या शारीरिक तनाव में ग्रस्त हो चुका है। एक अज्ञात भय सताता है कि कब न जाने कौन सा रोग हमें हो जाए और मानसिक तनाव के कारण डिप्रेशन चरम पर है। लेकिन अब आपके पास होगा अभेद्य महामृत्युंजय कवच। जी हाँ, महाशिवरात्रि के दिन हम आपके नाम से अभिमंत्रित करेंगे अभेद्य महामृत्युंजय कवच, जिसे धारण करके न केवल आप मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। धन, यश, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होगी। अब आपको अकाल मृत्यु का भय नहीं सताएगा, क्योंकि आपके पास होगा अभेद महामृत्युंजय कवच। माँ शिवरात्रि पर इसे प्राप्त करने के लिए आप अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना गोत्र और फोटो हमें अवश्य भेजिए। जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के सानिध्य में आपके नाम से उस कवच को सिद्ध करके आपके ही घर के पते पर भेज दिया जाएगा। तो देर किस बात की, बोलिए ओम नमः शिवाय और भेजिए अपनी जानकारी